सर्वप्रथम गांधी जी ने स्वच्छ भारत निर्माण की कल्पना की थी। 2 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन को गति प्रदान की। पूरे भारत को खुले में शौच मुक्त करने हेतु स्वच्छ भारत मिशन प्लान किया गया। देश के कोने कोने में शौचालय निर्माण करने वालों को 12,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। तो आइए हम भी मजबूती से कदम उठाते हैं भारत को स्वच्छ बनाने के लिए। दोस्तों, देश को साफ सुथरा रखना इतना भी कठिन नहीं है, ये उतना ही आसान है जितना आप अपने आप को साफ सुथरा रखते हो। बस आपकी समझ को थोड़ा और विकसित करने की आवश्यकता है। कैसे, आओ बताता हूँ। हमें गंदगी साफ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर हम गंदगी फैला ही नहीं। सोचिए, जब आप अपने जेवर को रखने के लिए एक निश्चित स्थान बनाते हैं, आप अपने कपड़े रखने के लिए एक निश्चित स्थान बनाते हैं, आप अपने आप को सजने संवरने के लिए एक निश्चित स्थान बनाते हो। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हो। और तो और, आप अपने जूतों को भी एक उचित स्थान पर रखते हो, तो फिर क्यों कचड़े को यहाँ वहाँ फेंकते रहते हो? उसको भी एक उचित स्थान दो, जैसे आपने घर की हर चीज को दिया है। अगर हम ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए, ना घर गंदा होगा, ना मोहल्ला, ना शहर, ना प्रदेश, और ना ही हमारा देश। भारत देश को दुनिया कला, संस्कृति और मर्यादा का आदर्श मानती है। जहाँ बेटी को सरस्वती और बहू को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, वहाँ जहाँ अपने बड़ों के आगे सिर ढाक कर निकलना मर्यादा कहलाती है, तो क्या उसी देश में घर की बहू बेटी को खुले में शौच के लिए बाहर निकलना मर्यादा का उल्लंघन नहीं है? तो आइए हम मिलवाते हैं आपको पन्ना जिला के उन जागरूक लोगों से जिन्होंने स्वच्छ भारत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और लोगों के लिए ऐसे उदाहरण बने जो देश और दुनिया में कहीं और देखने नहीं मिलेंगे। आइए आपको ले चलते हैं उन महान हस्तियों से मिलवाने जिनका नाम स्वच्छ भारत मिशन में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नामदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वच्छ भारत मिशन के इस सफर पर। अब हम आपको ले चलते हैं अजयगढ़ जनपद की ग्राम पंचायत सिलोना। अब हम आ गए हैं जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सिलोना, जहां हम आपको मिलवाते हैं ऐसे शख्स से जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपने परिवार को खुले में शौच से मुक्ति दिलाई। आइए मिलते हैं सुषमा राजपूत से, जिन्होंने मेहनत मजदूरी कर अपने घर में शौचालय का निर्माण कराया। पहले हम शौच के लिए बाहर जाया करते थे। एक दिन अधिकारी लोग आए, हमारा लोटा छुड़ा लिए। हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इसके बाद मैंने मेहनत मजदूरी करके अपना शौचालय तैयार किया। मुझे शासन द्वारा 12,000 रुपये पुरस्कार दिए गए। मैं और मेरा परिवार घर में ही शौच के लिए जाते हैं। अब हमारा परिवार बहुत खुशहाल है। दोस्तों आइए हम आपको ले चलते हैं पन्ना जिला के ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर में, जहां ऐसी महिला से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने खुले में शौच की सामाजिक कुप्रथा का विनाश किया। मिलते हैं हम ऐसी साहसिक और महान औरत से, कुंताबाई गौड़ से। आइए चलते हैं कुंताबाई गौड़। मैं कुंताबाई सूत्र बनाया, मतलब 6,000 में आओ सामान स्वरूप बनवा लाए। आप लोग शौचालय कहाँ जाते हैं? आप शौचालय में जाएंगे लड़का, तो तीनों हम। शासन ने आपको कितने पैसे दिए? 12,000 दिया मेरे को, तो मैं मंगासूत्र अपना उठा लिया, पूरा को वो काम को वो कर लिया।
आइए, इसके बाद हम लेके चलते हैं आपको जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत पहाड़ी खीरा, जहां हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी महिला से जिन्होंने खुले में सोच के कलंक को मिटाने के लिए अपने जीवन यापन का माध्यम यानी कि दूध दे दी बकरियों को बेचकर शौचालय निर्माण कराया। चलिए चलते हैं ग्राम पंचायत पहाड़ी खीरा। शौचालय निर्माण कैसे कराया आपने? बाहर जात रहे तो हमको अच्छा ना लग, तो हमने कहा शौचालय अपने घर में बना ली जाए, तो बकरियां कड़ियां बेच के हम अपना शौचालय घर में बना ली। तो आप कहाँ जाते हो? शौचालय घर पे ही? घर के शौचालय। क्या शासन के द्वारा कुछ मदद मिली क्या आपको शौचालय निर्माण के लिए? पहले नहीं मिली, पहले बकरियां बेच के हम शौचालय बना ली और फिर ऐसे हम सरकार में 12,000 रुपए दी। ये है मुन्नी भाई जिन्होंने अपनी बकरियां बेचकर शौचालय निर्माण कराया और भारत के स्वच्छ भारत मिशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आइए अब हम आपको ले चलते हैं जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर कुनौर ब्लॉक के मानिकपुर गांव में। हम आपको वहां एक ऐसी महिला से मिलाएंगे जिन्होंने अपने आप को जागरूक कर लोगों को खुले में शौच करने के प्रति जागरूक किया है। शौच के लिए कहाँ जाते हो? घर में। कैसे बनवा? दीदी ने डांट लगाई, एक दिन लोटा पकड़ लिया, डांट लगाई, फिर कर्जा काढ़ा, फिर हमने बनवाया, फिर जब 12,000 रुपए मिले तब फिर हमने चुका दिया। यहाँ घर पर पूरा घर जाता है, बहू लड़का हम, हमारा परिवार अब खुले में टट्टी को नहीं जाते। हम सबसे यही कहते हैं चाले बनवाओ और बहू बेटियों की मर्यादा बताओ। देखा आपने जनक लली ने कैसे कर्जा लेकर अपने घर में शौचालय का निर्माण किया और स्वच्छ भारत मिशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आइए हम आपको ले चलते हैं जिला मुख्यालय से 32 किलोमीटर दूर ग्राम जिगदहा। अब हम मिलवाते हैं आपको ऐसी जागरूक बेटी से जिसने स्वच्छ भारत मिशन में अपनी अद्भुत भागीदारी निभाई और सुनते हैं स्वच्छता की कहानी, उन्हीं की जवानी। आइए चलते हैं जगदहा और मिलते हैं भारत की जागरूक बेटी सहनाज बानो से। एक बार हमारे स्कूल में स्वच्छता शपथ समारोह हुआ था, उसमें बोला गया कि घर में ही शौचालय बनवाओ, पर मेरे घर में इस बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। अपनी मर्यादा को बचाने के लिए मैंने अपने पापा से जिद करके घर पे ही शौचालय बनवाया। शौच के लिए बाहर जाना मेरी मर्यादा को भंग करता था, मैं इस कुरीति का विरोध करती हूँ। आइए अब हम आपको ले चलते हैं जिला मुख्यालय से 38 किलोमीटर दूर, जहां हम मिलवाते हैं आपको ऐसे शख्स से जिन्होंने अंधविश्वास के बंधन को तोड़कर अपने घर पर शौचालय का निर्माण करवाया। आइए मिलते हैं लाल बहादुर बागरी जी से। मेरे मन का भ्रम था कि यहां देवी देवता का वास है, इसी कारण चलते मैं यहां शौचालय नहीं बनवा रहा था, पर जिला पंचायत सीओ साहब ने मुझे समझाया देवी देवताओं को सफाई पसंद है, गंदगी नहीं। प्रेरित होकर मैंने शौचालय निर्माण का कार्य शुरू कर दिया और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी का सिर नहीं, हम सब अच्छे से। तो देखा आपने स्वच्छ भारत मिशन को पूरा करने के लिए हमारा पन्ना जिला हर कीमत पर, पन्ना जिला को खुले में शौच मुक्त बनाने हेतु मिसाइल कायम कर रहा है। आइए हम भी 20 प्रतिज्ञा लें कि जिला पन्ना को स्वच्छ बनाकर ही रहेंगे।